नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है। आज मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आज जाने का कोई मौका नहीं मिला है। आज कुछ काम था तो जाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन अभी थोड़ा शाम हो गया है तो मैं जा रहा हूँ वीआर पंजाब मॉल। तो आपको शायद मैं वीआर पंजाब मॉल थोड़ा बहुत दिखाऊं, थोड़ा बहुत आपको वीआर पंजाब मॉल का मॉल के जो शॉर्ट्स है वो दिखाऊं। वीआर पंजाब मॉल कितना बड़ा है, कैसा है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखते रहिए, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। कर देना यार, कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कर दो, बिंदास कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको जितना हो सके वीआर पंजाब मॉल के कुछ अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरे पास ड्रोन है नहीं जो मैं आप ऊपर से ड्रोन से दिखाऊंगा। काफी बड़ा ह्यूज मॉल है, मैं आपको दिखाऊंगा अंदर के कुछ शॉट्स, आपको दिखाऊंगा जितना हो सके दिखाऊंगा। चलो चलते हैं। ये है वीआर पंजाब मॉल, हम पहुंच गए हैं, चलिए अंदर चलते हैं, मॉल के अंदर चलते हैं। काफी बड़ा एरिया है, आप देख सकते हैं, चलिए अंदर चलते हैं। ये जो मॉल है काफ़ी बड़े एरिया में है, काफ़ी ओपन स्पेस है इस मॉल में, काफ़ी पार्क जैसा है। देखिए, सिर्फ रुको, पहले ले लेता हूँ एंट्री टिकट, ले लेता हूँ पहले एंट्री टिकट, लेके जाते हैं अंदर। मैं आपको जैसे बता रहा था, काफ़ी बड़ा अंदर एरिया है जहाँ पर आप लोग बैठ सकते हैं। आगे देख सकते हो, आगे आप देख सकते हो, मैं ले रहा हूँ कुछ, मैं वीडियो में आप देख सकते हो लोग बैठे हुए हैं, पूरा खाली एरिया है। आगे वो कॉन्सर्ट वनसर्ट करने के लिए भी कोई गेस्ट बुलाते हैं तो वहाँ के लिए भी वो जगह है वहाँ बैठ के। काफ़ी ओपन एरिया है, ऐसे ओपन एरिया वाले जो मॉल है आपको इंडिया में काफ़ी कम मिलेंगे जो इतना ओपन स्पेस है। वो सिटी के बीचों में होते हैं मॉल, तो काफ़ी जगह होती नहीं है इस तरीके का ओपन स्पेस। काफ़ी ओपन एरिया है, चारों तरफ ओपन एरिया है इस मॉल के, तो ये एक अच्छी पार्ट है। कभी मॉल आए तो इस मॉल में आगे शॉपिंग भी कर सकते हैं, बाहर निकल के तो कुछ बैठ भी सकते हैं, अच्छा बनाया हुआ है, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है इस मॉल की। जैसे कि आपने देखा, काफ़ी बड़ा मॉल है, काफ़ी बड़ा मॉल है, काफ़ी बड़े कितने एकड़ में खड़ा है। हम बेसमेंट में चलते हैं पार्किंग के लिए। काफ़ी बड़ा पार्किंग है, काफ़ी बड़ा बेसमेंट है, काफ़ी बहुत ज़्यादा आप पार्क कर सकते हैं उधर शॉर्ट, काफ़ी बड़ा बेसमेंट वन बेसमेंट टू करके काफ़ी है। यही रख लेते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो थोड़ा सा स्पीड में चलेगा, फास्ट फॉरवर्ड में चलेगा, क्योंकि अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड ना करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये वीडियो ज़्यादा टाइम का बन जाएगा तो आप बोर हो जाओगे इतना लंबा वीडियो देख के। तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग में करके आपको दिखाऊँगा। इस मॉल पर काफ़ी ब्रांड्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं और नए नए स्टोर्स काफ़ी ओपन भी हो रहे हैं।
आप बीआर मॉल में आपको दिखा रहा हूँ, कितना बड़ा मॉल है, बहुत ज़्यादा मॉल है, 100-200 एकड़ में, पता नहीं कितने एकड़ में फैला होगा ये, इतना बड़ा मॉल है। और मुझे किसी ने बोला था कि बीआर मॉल पंजाब में एसी है कि नहीं, पता नहीं एक सज्जन मिले थे जिन्होंने पूछा था कि भाई इस मॉल में एसी है कि नहीं। अरे भाई साहब ये बहुत बड़ा मॉल है, इसमें एसी क्या डीसी सब कुछ है इसमें, आइए एंजॉय करिए, देखिए शॉपिंग करिए, काफ़ी शॉप्स है, बहुत बड़ा मॉल है, आप देख ही रहे होंगे कितना बड़ा मॉल है और बहुत बड़ा एरिया है। अभी मैं 2 फ्लोर पैदल चल चुका हूँ, नहीं 3रा फ्लोर में पैदल चल चुका हूँ, अब मैं फूड कोर्ट पे ऊपर आपको दिखाऊंगा, चलिए चलते हैं फूड कोर्ट। आज मैं कुछ ख़रीद नहीं रहा हूँ, आज ख़रीदने का प्रोग्राम है नहीं, फिर भी देखता हूँ अगर कुछ ख़रीदना है तो थोड़ा टी शर्ट खरीदूँगा सोच रहा हूँ, जो 3 के पैकेट होते हैं सस्ते वाले, 600-700 में तीन का पैकेट रहता है, वो ख़रीदने का सोच रहा हूँ। कुछ ख़रीदना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मैं मॉल दिखाने के लिए ही मॉल आया हूँ, मतलब मॉल के अंदर इनसाइड मॉल दिखाने के लिए ही मैं मॉल आया हूँ, तो आपको वही दिखा रहा हूँ, आप देखते रहिए। दोस्तों मॉल से आ गया हूँ मैं वापस और कुछ नहीं खरीदूँगा, सोचते सोचते कुछ ख़रीदा है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या ख़रीदा है। छोटे मोटे कुछ आइटम खरीदे मैं आपको दिखाता हूँ, लायनल के लिए कुछ ख़रीदा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी सामान खरीदा है मैंने, यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। ये ख़रीदा है बॉक्सर लायनल के लिए, छोटे बच्चों का बॉक्सर है। ये लायनल के लिए सॉक्स ख़रीदा है और ये ख़रीदा मैंने अपने लिए टी शर्ट ख़रीदा है। मैंने टी शर्ट, ये घर में जो मैं टी शर्ट पहनता हूँ वो मैं 3 पैक का एक ये इस टाइप के ख़रीदता हूँ ताकि घर में राफ यूज़ कर सके। ये मुझे 800 रुपये में मिल गया, 3 पीस है, फेम फॉरएवर का, नहीं फेम फॉरएवर नहीं, फरनिट का ये मिल गया है। और लायनल के लिए एक जीन्स ख़रीदा है, ये जीन्स ख़रीदा है लायनल के लिए, ये जीन्स ख़रीदा है और एक टी शर्ट दो ख़रीदे हैं। तो इतना सारा शॉपिंग करके आ गए हैं, काफ़ी शॉपिंग हमने कर ली है आज मॉल में जाके। पहले सोचा था शॉपिंग नहीं करेंगे, फिर अभी काफ़ी शॉपिंग कर ली है
तो ये था, ये आपको जो मैंने आज ओवरव्यू एक दिखाया बी आर पंजाब मॉल का, तो आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो आपको लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर देना। तो आज के लिए बाय बाय।